हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। हम क्लास 12 की इंग्लिश में जो ये फ्लैमिंगो बुक है इसका चैप्टर नंबर 4 दी रैट ट्रैप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहे हैं। आई होप कि आपको जो अभी तक एक सेशन प्रोवाइड किया गया है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर रहा। चलिए आज के इस सेशन में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी स्टोरी आगे फर्दर अब कैसे चलती है। हमने हमारे लास्ट सेशन में ये देखा था कि क्या थॉट्स थी जो उस वैगाबॉन्ड यानी कि जो उस रैट ट्रैप सेलर के दिमाग में चलती होती थी। बिल्कुल इसी तरीके से हमने एक पर्टिकुलर स्टोरी की जो शुरुआत हुई थी वो देखा था कि किस तरीके से उसने 30 क्रोनोर्स जो थे वो चुराए थे और एक बहुत ही कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट में वो आगे बढ़ गया था। तो अब देखते हैं कि आगे फर्दर उसके साथ वहाँ क्या हुआ। It was late in December. Darkness was already descending over the forest. तो आपको मंथ बता दिया कि भाई कौन सा मंथ था। दिसंबर, लेट दिसंबर है, मीन्स दिसंबर ख़त्म होने वाला है और जो अंधेरा है वो अब सारे के सारे फॉरेस्ट पर छा रहा है। एक तरीके से रात हो रही है। This increased the danger. तो ये खतरा जो था वो और ज़्यादा बढ़ा रहा था। The increased Also his gloom and despair. देखो gloom का मतलब होता है sadness, उदासी, और despair का मतलब basically होता है निराशा, जिसे हम disappointment कहते हैं। तो ये है कि क्योंकि अंधेरा बढ़ रहा था वो तो पहले ही डरा हुआ और घबराया हुआ था तो इसकी वजह से वो और ज़्यादा उदास हो गया था और ज़्यादा निराश हो गया था। Finally he saw no way out. मतलब finally अंत में उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। And he sank down on the ground. Sank down का मतलब क्या होता है? Sank down का मतलब basically यहाँ पर बैठ जाने से है, sit down हो जाने से है। जैसे होता है ना कई बार इंसान थक जाता है, हार जाता है अगर, तो घुटनों के बल ज़मीन पर गिर पड़ता है। तो यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर ऐसा ही है कुछ कि वो ground पे बैठ गया। Tired to death. Thinking that his last moment had come. देखो क्यों वो ज़मीन पर गिरा है? क्योंकि वो थका हुआ है, थका हुआ है और इतना ज़्यादा थका हुआ है जैसे मान लो कि वो मरे के बराबर हो गया हो और ये सोच रहा था कि भाई अब उसका अंत नज़दीक आ गया है। तो इस तरीके की थॉट्स जब उसके दिमाग में चल रही थी तो ऐसा सोचता हुआ वो ज़मीन पर नीचे बैठ जाता है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन दी ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसका जो सिर है वो ग्राउंड के साथ जाकर टच करता है, मतलब वो अपना सिर जो है वो ग्राउंड पर रखता है, क्या होता है उस वक्त? ही हर्ड ए साउंड, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, मतलब उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और एक बहुत ही ज़ोर सी आवाज़ सुनाई देती है जो कि ना थम्पिंग की आवाज़ है। थम्पिंग की आवाज़ मतलब एक जैसे हम कहते हैं ना ठक ठक की आवाज़ सी आती है। तो जैसे अगर कोई हथौड़ा या हथौड़ी किसी चीज़ पर मारी जा रही होती है तो उस वक्त जो वो ठक ठक की आवाज़ प्रोड्यूस होती है तो वो आवाज़ उसे सुनाई देती है। There was no doubt as to what that was. कहते हैं इस बात में कोई भी संदेह नहीं है, राइटर कहते हैं इस बात में कोई भी संदेह नहीं है कि वो आवाज़ किस चीज़ की थी। He raised himself. Raised himself का मतलब है कि देखो वो पहले नीचे बैठा था और फिर उसके बाद उसने अपना सिर जो था वो ज़मीन के साथ लगाया था। तो यहाँ पर है कि अब उसने अपना सिर जो है वो उठा लिया है, तो वो अब बैठ गया है, अब उसका सिर जो है वो ज़मीन पर नहीं है। Those are the hammer strokes from an iron mill, he thought. अब क्योंकि हमें about the author में ही बता दिया गया था कि ये जो कहानी है वो स्वीडन में एक ऐसी जगह जहाँ पर आयरन ओर भरपूर मात्रा में पाया जाता है वहाँ की कहानी है, तो इसीलिए यहाँ पर आयरन मिल का जिक्र आ गया है। आपको कह रहे हैं कि उसने सोचा कि ये जो आवाज़ है वो तो हैमर के स्ट्राइक करने की आवाज़ है, मतलब हथौड़े की ठक ठक की आवाज़ है जो कि एक आयरन मिल से, एक फैक्ट्री से आ रही है। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, तो उसने ये सोचा कि ज़रूर आसपास लोग मौजूद हैं। ही समंड, समंड का मतलब होता है इकट्ठा करना, गैदर करना। तो ही समंड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की। गॉट अप, अब वो उठा है, ठीक है, पहले वो अभी तक ज़मीन पर ही था, बैठा था, लेकिन अब है कि अब वो उठा है, गॉट अप एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। तो जिस डायरेक्शन से आवाज़ आ रही है
उस डायरेक्शन में वो स्टैगर करने लग जाता है। स्टैगर का मतलब होता है लड़खड़ाना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, निराश था, होपलेस था एक तरीके से, तो इसलिए लड़खड़ाते हुए कदमों से वो उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ता है जिस डायरेक्शन से आवाज़ आ रही होती है। नेक्स्ट आपको क्या बताते हैं, द रैम्सजो आयरन वर्क्स which are now closed down were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge. तो देखो इस आयरन मिल का जिक्र जो है वो हमारे पास पहले भी आया था, जब क्रॉफ्टर वाला जिक्र आया था, तो अब आपको ये इसी के बारे में बता रहे हैं कि रैम्सजो आयरन वर्क जो है वो अब बंद हो चुकी थी, मतलब ये जो कारखाना था वो अब बंद हो चुका था, लेकिन इतना ज़्यादा लंबे समय नहीं, मतलब ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ था कि कुछ टाइम पहले ये क्या हुआ करता था, एक लार्ज प्लांट हुआ करता था, मतलब हम सिंपल ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी आयरन मिल हुआ करती थी, ये एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी जिसमें क्या क्या लगा हुआ था, स्मेल्टर था, रोलिंग मिल थी और एक फॉर्ज। फॉर्ज का मतलब बेसिकली फर्नेस से होता है, भट्टी से होता है। स्मेल्टर बेसिकली वो पर्टिकुलर सेक्शन फैक्ट्री का जहाँ पर हम ये कहेंगे कि जहाँ मेल्ट करने के लिए आयरन ओर को मेल्ट करने किया जाता है उसे बेसिकली स्मेल्टर बोला जाता है। और एक हमें यहाँ पर रोलिंग मिल दे रखा है, रोलिंग मिल का बेसिकली मतलब आप समझ ही सकते हो कि ऐसा पर्टिकुलर सेक्शन प्लांट में या फैक्ट्री में जहाँ पर बड़ी बड़ी शीट्स जो हैं रोल कर तैयार की जाती हैं, जैसे एल्यूमिनियम की शीट्स होती है ना पतली पतली तैयार, तो बिल्कुल इसी तरीके से ये कुछ सेक्शंस थे जो कि उस पर्टिकुलर रैम्सजो आयरन वर्क नाम की मिल में पहले मौजूद हुआ करते थे। अब देखो आपको ना मैं यहाँ पर अभी एक और बात बताना चाहूँगी कि अब हमारे पास 2 या 3 पैराग्राफ्स कुछ ऐसे आएंगे जिसमें ना अब इस मिल के बारे में हमें जिक्र बताया गया होगा कि इसमें क्या है, कैसे काम होता है, किस तरीके की आवाज़ें इसमें प्रोड्यूस होती हैं, तो इस तरीके का जिक्र हमें 2 to 3 पैराग्राफ्स में यहाँ पर बताया गया है। पहला पैराग्राफ हम देख रहे हैं, तो अब इसमें हमें क्या बताया, यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया कि मिल थी और उसमें क्या क्या मौजूद हुआ करता था। अब आपको आगे क्या बताते हैं, इन दी समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्ड्स एंड स्कॉर्स स्लिड डाउन दी कैनाल विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक। देखो ये जो लेक है, ये जो झील है, वो आस पास आयरन वर्क के मौजूद थी, कि एक बहुत बड़ी झील जो थी वो मौजूद थी किसके पास, आयरन वर्क्स के पास, मतलब मिल के पास हम सिंपल कहेंगे कि मौजूद थी। अब होता क्या था, देखो अगर आपको पता है कि भाई मिल में काम होता है, जब काम होता है तो कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं। अब जैसे मैंने आपको यहाँ स्मेल्टर जिक्र किया था कि आयरन को पिघलाने के लिए, रॉ आयरन को, पिग आयरन को पिघलाने के लिए ये स्मेल्टर का जो सेक्शन है वो यूज होता है। अब अगर यहाँ पिघलाया जाएगा आयरन, दैट मीन्स यहाँ पर लकड़ियों का इस्तेमाल या फर्नेस का भी जिक्र आया है, तो आपको पता चल गया यहाँ पर कि भाई कुछ लकड़ियों का इस्तेमाल आग जलाने के लिए, टेम्परेचर हाई करने के लिए, ताकि आयरन ओर को पिघलाया जा सके यूज़ होगा। अब अगर लकड़ियाँ जलेंगी तो कोल प्रोड्यूस होगा ना, अब कोल अगर प्रोड्यूस होगा तो वो एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर आगे जो मिल ऑनर है वो क्या करेगा, वो उसे सेल करेगा ना। तो यहाँ आपको ये जो नेक्स्ट लाइंस हैं, 2 लाइंस हैं जो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ कवर कर रही हैं, इसमें आपको इसी तरीके का जिक्र है जिसमें कह रहे हैं कि कोल को किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता था, समर टाइम के दौरान कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता था और विंटर टाइम के दौरान कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता था। समर टाइम के दौरान आपको कहते हैं कि फुल्ली लोड कर हैवी बड़ी बड़ी जो बार्ड्स एंड स्कोज हैं, ये क्या हैं, ये बेसिकली ना बोट्स हैं, कुछ ऐसी बोट्स भी होती हैं जो कि ना नीचे से फ्लैट सरफेस की होती हैं, तो ये आपको बार्ड्स एंड स्कोज जो ये 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, इन दोनों का मतलब ही बोट्स से है कि गर्मियों के दौरान तो जो ये बोट्स थी इनमें कोल लाद दिया जाता था, कोयला लाद दिया जाता था, और उसके बाद कहाँ इसे छोड़ दिया जाता था, इन्हें कैनाल में छोड़ दिया जाता था, ठीक है, और वो पानी आगे फर्दर कहाँ जाता था, वो एक लेक से जाकर मिलता था, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती थी गर्मियों के मौसम में। और अगर हम विंटर टाइम की बात करें, क्योंकि विंटर टाइम में वो जो झील है, वो जो कैनल है या कैनाल है, वो क्या है, वो तो उसमें पानी जम जाएगा, तो इसलिए विंटर टाइम के दौरान
रोड का इस्तेमाल किया जाता था, रोड के जरिए जो है वो ट्रांसपोर्टेशन की जाती थी। द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच सिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। तो बड़ी बड़ी चारकोल की क्रेट्स का यूज़ किया जाता था, हम यूँ सिंपल कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी लारियों का इस्तेमाल किया जाता था, और जैसे जैसे जो कोल था, चारकोल था, वो उन बड़ी बड़ी लारियों के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता था, तो ऐसा लगता होता था कि जो चारकोल की वजह से काली काली डस्ट सी कई बार होती है ना, जब एक कोयला दूसरे कोयले के साथ रगड़ खाएगा तो कुछ काली काली डस्ट सी प्रोड्यूस होगी, तो वो जो डस्ट है, वो जो कोल डस्ट, ये आपको यहाँ बताई गई है, ये कोल डस्ट जो है वो सड़कों पर गिरी हुई नज़र आती थी, उसकी वजह से सड़कें काली हुई नज़र आती थी। किस मौसम के दौरान? विंटर टाइम के दौरान। अब अगर हम आगे बढ़े तो देखो आगे हमें क्या कहते हैं, ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फॉर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन विच हैड बीन पुट इन द फायर टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल। अब आपको ये जो अब जिक्र आया है, ये अब आपको एट प्रेजेंट वाला कहानी के अकॉर्डिंगली जिक्र है कि अब एक लॉन्ग डार्क इवनिंग, लॉन्ग डार्क इवनिंग क्यों कहा गया, और देखो लिखा भी हुआ है जस्ट बिफोर क्रिसमस। आपको पता है कि क्रिसमस कौन से महीने के दौरान आता है? दिसंबर के दौरान, और हमने जो आज का सेशन शुरू किया उसमें भी दिसंबर आया था। अब जो विंटर वाला मौसम होता है उसमें रातें लंबी होती हैं ना, तो इसीलिए लॉन्ग डार्क इवनिंग। अब कहते हैं कि एक लंबी काली रात इवनिंग के दौरान, इस शाम के दौरान जो कि क्रिसमस से बिल्कुल ही कुछ ही टाइम पहले की रात है, उस वक्त देखो क्या है, मास्टर स्मिथ और उसका हेल्पर, मतलब दो लोग हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि एक मिस्त्री होता है और एक साथ में हेल्पर होता है, तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर है कि एक तो मास्टर स्मिथ है, एक तो मास्टर है जो हम कह सकते हैं कि मेन बंदा है, और एक उसके साथ हेल्पर है, वो दोनों बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? इन दी डार्क फॉर्ज नियर दी फर्नेस, मतलब भट्टी में, उस पर्टिकुलर एरिया में, वहाँ उस सेक्शन में मौजूद हैं जहाँ पर पिग आयरन को, रॉ आयरन को, जो क्रूड आयरन होता है उसे पिघलाया जाएगा। वो वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं उस पिग आयरन का जिसे वो आग में डाल चुके हैं पिघलने के लिए, और फिर उसके बाद क्या करना है उन्होंने, टू बी रेडी टू पुट ऑन दी एनविल। एनविल का मतलब क्या होता है? ये ना एक, अगर आपने कभी किसी कॉबलर को देखा हो, मूची को अगर देखा हो, तो ना वो जब शूज़ को मेंड करता होता है तो वो ऐसे ही ज़मीन पर रखकर थोड़ी ना ठक ठक करता होता है, उसके पास एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पड़ा होता है, एक लोहे का, हम कह सकते हैं कि शूज़ शेप का ही एक स्ट्रक्चर बिल्कुल सामने पड़ा होता है मेटल का, उसके ऊपर वो शू को रखता होता है, और फिर उसके बाद वो अगर कोई नेल डालनी है, कुछ करना है, तो उसके बाद वो शूज़ को मेंड करता होता है, तो उसी तरीके के स्ट्रक्चर को एनविल कहा जाता है। तो यहाँ पर है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पिग आयरन पिघलेगा और कब वो एनविल के ऊपर उसे रख कर फिर हथौड़े से स्ट्राइक कर उसे एक पर्टिकुलर शेप में बदलेंगे। हम आपको क्या कहते हैं, एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टिर द ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन दो एज वॉज द कस्टम ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज। अब दोनों में से बारी बारी क्या कर रहे हैं, एवरी नाउ एंड देन, मतलब बार बार, दोनों में से कोई एक जना जो है, मतलब मास्टर स्मिथ या उसका हेल्पर, उन दोनों में से कोई एक जो है वो उठ रहा है अपनी सीट से और कहाँ जा रहा है, जहाँ पर पिग आयरन पिघल रहा है उसमें जाकर स्टिर कर, जैसे हम कहते हैं ना घर में अगर कोई सब्जी बन रही है कुछ, तो हम क्या करते हैं, करछी से उसे हिलाते हैं, तो यहाँ करछी नहीं है, यहाँ एक लॉन्ग आयरन बार है और यहाँ पर वो स्टिर कर आ रहे हैं उस लॉन्ग आयरन बार से, ताकि जल्दी से जो पिग आयरन है वो पिघल जाए, ठीक है, और फ्यू मोमेंट्स के बाद ही उन्हें वापस आना पड़ता है। क्यों वापस आना पड़ता है? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है और जब वो नज़दीक जाते हैं तो उन्हें क्या आ जाता है, पसीना आ जाता है, तो पर्सपिरेशन का मतलब यहाँ पर है
कि पसीना आ जाता है, पसीने से लथपथ हो जाते हैं, पसीना ड्रिप करने लग जाता है, टपकने लग जाता है, और इसीलिए वो वापस आ जाते हैं। लेकिन आपको आगे उनका कस्टम, मतलब जो कस्टम ट्रेडिशन है, जो उनका आम तौर पर पहरावा है, वो आपको बता रहे हैं कि ही वोर नथिंग, कि जो भी बंदे हैं वो कुछ नहीं, उन्होंने एक लॉन्ग शर्ट पहनी हुई है और पैरों में क्या है, वुडन शूज़ हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि आगे हमें और क्या बताते हैं। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन दी फॉर्ड्स। तो कहते हैं कि ये जो फर्नेंस है, इसमें हर वक्त तरह तरह की आवाजें जो हैं वो सुनी जा सकती हैं। अब पहली आवाज कौन सी है, देखो, द बिग बेलोज ग्रॉन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड। देखो इसकी मैं सबसे सिंपल आपको सिंपलेस्ट एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आप किसी विलेज एरिया को बिलोंग करते हो, या आपने अगर कभी किसी टीवी चैनल पर या किसी फिल्म में कहीं भी अगर आपने देखा हो कि चूल्हे में अगर आग जलाई जाती है, अगर वो बुझ जाती है, तो एक लॉन्ग पाइप का यूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू पाइप में मतलब हवा डाली जाती होती है, हवा मारी जाती होती है, और उसके बाद जो आग बुझी हुई होती है वो दोबारा से जल उठती होती है, और जब वो आग जलती होती है तो क्रैक सी आवाज़ आती होती है। तो यहाँ पर आपको इसी तरीके का ही एक कंसेप्ट बताया गया है कि बिग बेलोज ग्रॉन्ड, मतलब जो हवा देने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता था ताकि जो आयरन ओर को पिघलाना है वो अच्छे से पिघल सके, आग जो है वो अच्छे से जल सके, तो इसलिए एक तो वो हवा देने के लिए जो वो इंस्ट्रूमेंट था उसकी आवाज़ आती थी, एंड एक उसके हवा देने पर जो कोल था, जो कोयले थे, वो जब बर्न होते थे उनके क्रैक होने की साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती थी। आगे आपको क्या कहते हैं, द फायर बॉय शॉवल्ड चारकोल इन टू द मॉ ऑफ द फर्नेंस विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। अब ये जो क्लैटरिंग होता है ना, वो भी एक तरीके की साउंड होती है। अब इसमें आपको क्या बताते हैं, इसमें कहते हैं कि फायर बॉय मतलब जो लड़का आग जो था वो जलाने में, जो ईंधन, जैसे अगर आपने कभी देखा हो कोयले से ट्रेन जो है वो चलती है, जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। अगर मैं फिर से आपको कहूँ, अगर आपने कभी कोई पुरानी मूवीज अगर देखी हो, तो उसमें क्या है कि जो ट्रेन्स होती थी उनमें कोयला जो है वो एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से, जिसे शॉवल बोला जाता है, उससे डाला जाता था। जैसे हम कस्सी कहते हैं ना कि कस्सी का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल इसी तरीके से एक चपटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे शॉवल बोला जाता है। तो एक फायर बॉय मतलब आग जो प्रोड्यूस कर रहा है या जो आग जलाने का मेन काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो फर्नेंस के भट्टी के मौ में, मौ का मतलब है माउथ की मेन पॉइंट पर, मेन मुख में क्या डाल रहा है, चारकोल डाल रहा है ताकि आग जो है वो प्रोड्यूस हो सके। और वो चारकोल भी जब वो शॉवल से उठाता है और उसे बीच में डालता है, तो उस वक्त भी आवाज़ प्रोड्यूस होती है, और वो साउंड कौन सी है, एक क्लैटरिंग की आवाज़ है। आगे आपको क्या बताते हैं, आउटसाइड। अब देखो ये जितनी यहाँ आवाज़ें बताई हैं, चाहे बिग बेलो की बताई, चाहे बर्निंग कोल की बताई, चाहे ये शॉवल करने वाली बताई, आपको अब जो आवाज़ें बता रहे हैं, मतलब ये जो आवाज़ें थी वो थी अंदर, मिलके अंदर वाली आवाज़ें, अब आपको बता रहे हैं आउटसाइड वाली। आउटसाइड रोर्ड दी वाटरफॉल, दैट मीन्स नज़दीक ही कहीं वाटरफॉल था, झरना था, वो आवाज़ आ रही थी, एंड अ शार्प नॉर्थ विंड, आपको डायरेक्शन भी बता दी कि हवा कौन से डायरेक्शन वाली चल रही थी, तेज हवा चल रही थी, नॉर्थ साइड से चल रही थी। विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, जो छत है ब्रिक की बनी हुई है, ब्रिक की टाइल्स लगी हुई हैं, ईंटों वाली टाइल्स लगी हुई हैं, उन पर हवा जो है, हवा का बहाव जो है, तेज हवा जो है वो रेन को हिट कर रही है, विप्ड मतलब एक तरीके से जोर से फोर्सफुली हिट कर रही है, और उस वजह से जो छत के ऊपर बारिश के पड़ने की, बारिश की बूंदों की भी जो आवाज़ है वो प्रोड्यूस हो रही है, और ये दोनों की दोनों साउंड्स जो हैं वो आउटसाइड हैं, मतलब बाहर वाली हैं। अब आपको आगे क्या बताते हैं, इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइस दैट द ब्लैकस्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन द गेट एंड एंटर्ड द फॉर्ज अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस। तो अब आपको यहाँ पर ये पता चला है कि जो हमारा ये रैट ट्रैप सेलर था, कि शायद इसी आवाज़ की वजह से जो
अंदर भट्टी में, फर्नेस में, मिल में जो ब्लैकस्मिथ काम कर रहा था, लोहार जो काम कर रहा था, शायद इसी आवाज़ की वजह से उसने नोटिस नहीं किया, उसका ध्यान नहीं गया कि कोई आदमी है जिसने दरवाज़ा खोला है, अंदर वो दाखिल हुआ है और वो बिल्कुल उसके नज़दीक आकर फर्नेस के पास खड़ा हो गया है। उसे इस आवाज़ की वजह से, इस शोर की वजह से इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चला। अब आगे आपको क्या बताते हैं। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजअल फॉर पुअर वागाबॉन्ड्स विदाउट एनी बटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्ट टू दी फॉर्ज बाई दी ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप्ड थ्रू दी सूटी पेन्स एंड टू कम इन टू वॉर्म देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ दी फायर। देखो आपको क्या बताते हैं। अब आपको यहाँ पर ऐसा कुछ कंसेप्ट उभर कर आता है जिसमें है बेसिकली कि भाई ये जो मिल वाले हैं इनके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। इस तरीके के बहुत सारे पुअर वागाबॉन्ड्स जो हैं, आवारा जो घूमने वाले हैं, वो बहुत सारे घूमते होंगे, यहाँ आते होंगे रैन बसेरे के लिए, रात गुजारने के लिए। जैसा मौसम चल रहा है, बाहर सर्द हवाएं हैं, अंदर आग जल रही है, तो ऑब्वियसली अपने आप को ठंड से बचाने के लिए बहुत सारे ऐसे पुअर गरीब वागाबॉन्ड जो हैं वो यहाँ पर पक्का आते होंगे। तो ये कोई यूजुअल मतलब बात नहीं थी, अनयूजुअल बात ही थी, नथिंग अनयूजुअल लिखा हुआ है तो कोई असाधारण बात नहीं थी, ये कोई साधारण सी ही बात थी, मामूली सी ही बात थी। तो वो कहते हैं कि इनके लिए ये बेटर शेल्टर है ना रात बिताने के लिए। और वो इस तरफ कैसे अट्रैक्ट होते हुए आते हैं, क्योंकि जो सूटी पेन्स हैं, देखो अंदर कोयले का काम चल रहा है, तो दैट मीन्स जो खिड़कियां हैं, खिड़कियों की जो पेन्स हैं, पेन्स का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो कांच है, शीश विंडोज के जो कांच हैं उन पर भी कोयले की धूल चढ़ी हुई है, लेकिन उनमें से जो अंदर आग जल रही है उसकी वजह से जो ग्लो बाहर निकलता है, एस्केप होता हुआ बाहर जाता है, उस ग्लो को देखते हुए जो बाहर वागाबॉन्ड हैं, जो आवारा हैं, वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। उन्हें बाहर से पता चलता है कि यहाँ तो भाई रोशनी है, यहाँ भाई अंदर आग जल रही है, तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए वो शेल्टर पाने के लिए यहाँ आ जाते हैं। मतलब इससे बेटर शेल्टर उन्हें फिर कोई और नहीं लगता है, और इसलिए यहाँ क्यों आते हैं, ताकि वो अपने आप को वॉर्म कर सकें, अपने आप को ठंड से बचा सकें, एंड इन फ्रंट ऑफ दी फायर मतलब फायर के आगे रहकर अपने आप को ठंड से बचा सके। अब नेक्स्ट आपको क्या बताते हैं। नेक्स्ट बताते हैं दी ब्लैक स्मिथ्स ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली टू दी इंट्रूडर। दी ब्लैक स्मिथ्स मतलब मास्टर स्मिथ भी और जो उसका हेल्पर था वो भी, कहते हैं कि उन दोनों ने नजर डाली, लेकिन एक कैजुअल से मैनर में ही नजर डाली, कोई स्पेशल तरीके से नहीं देखा। एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। इनडिफरेंटली का मतलब है बिना किसी खास इंटरेस्ट के, भाई स्पेशली स्पेशली कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इंट्रूडर कौन होता है, देखो इंट्रूडर का मतलब बेसिकली होता है घुसपैठिया, जो जिसको आपने परमिशन नहीं दी, जो बगैर आपकी परमिशन के अंदर दाखिल हुआ है। अब यहाँ पर जो हमारा रैट ट्रैप सेलर है वो उनसे परमिशन मांगकर थोड़ी ना अंदर गया था, बहुत सारा शोर हो रहा था, उन्हें तो पता ही नहीं चला था। वो तो जब बिल्कुल उनके नज़दीक चला गया था उन्हें तब पता चला कि भाई यहाँ ये कोई बंदा आया है। तो इसीलिए उस इंट्रूडर के तरफ, यहाँ इंट्रूडर किसके लिए यूज़ किया गया है, रैट ट्रैप सेलर के लिए ही यूज़ किया गया है। तो इसीलिए वो जो लोग अंदर मौजूद थे उन्होंने उसकी तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, और इसीलिए भी नहीं दिया क्योंकि उसके जैसे और लोग जो यहाँ कभी कभार आ जाया करते थे वो आम तौर पर उन्हीं की तरह दिखता था। कैसा दिखता था, अब ये आपको हुलिया बता दिया उसका कि वो कैसा दिखता था। विद अ लॉन्ग बियर्ड, लंबी दाढ़ी थी, डर्टी गंदा था, रैग्ड फटे पुराने कपड़े थे, एंड विद अ बंच ऑफ रैट ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और कुछ रैट ट्रैप्स थी, कुछ चूहे दानियाँ थी, कुछ गुच्छे थे, मतलब कुछ चूहे दानियाँ हम सिंपल कह सकते हैं थी, जो कि कहाँ लटक रही थी, डैंगलिंग का मतलब हैंगिंग से है, जो लटक रही थी उसकी चेस्ट पर। नेक्स्ट आगे क्या है, ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने परमिशन मांगी, उसने पूछा कि क्या मैं रुक सकता हूँ, एंड दी मास्टर ब्लैक स्मिथ नॉडेड अ हॉटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, मतलब सिर हिलाकर उसे यस कह दिया
मुंह से उन्होंने कोई भी सिंगल शब्द नहीं बोला। अब देखो क्या हुआ, द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग ईदर। अब फिर से ये जो ट्रैम्प वर्ड है वो सेम वही इंट्रूडर यानी कि सेम वही रैट ट्रैप सेलर के लिए यूज हुआ है कि भाई उसने भी कुछ नहीं कहा। अगर उन्होंने कोई मुंह से बोलकर जवाब नहीं दिया, मतलब सिंगल वर्ड अगर अटर नहीं किया, तो जो ट्रैम्प था, जो रैट ट्रैप सेलर था, जो वो आवारा था, वागाबॉन्ड था, उसने भी कुछ नहीं कहा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। तो आपको सिंपल कहते हैं कि वो वहाँ पर कोई बातचीत करने नहीं आया था किसी से, वो सिर्फ अपने आप को वार्म करने के लिए और सोने के लिए आया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं कि हमें आगे और फर्दर क्या बताते हैं। In those days, the Ramshaw Iron Mill was owned by a very prominent iron master. कहते हैं उन दिनों में, मतलब जिन दिनों में ये बंदा वहाँ गया है, तो उन दिनों में जो ये Ramshaw Iron Mill है वो एक बहुत ही famous iron master के पास थी, वो उसका मालिक था। Whose greatest ambition, मतलब जिसका सबसे बड़ा aim जो था वो क्या था, was to ship out good iron to the market. देखो अगर आप एक अच्छे businessman हो तो ऑब्वियसली है कि आप चाहोगे कि आप सबसे बेस्ट जो है वो मार्केट को प्रोवाइड करो। तो ऐसा ही कुछ कंसेप्ट यहाँ बता रखा है कि वो चाहता था कि वो मार्केट में, बाजार में सबसे बढ़िया आयरन जो है वो प्रोवाइड करे। ठीक है, ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल। तो जैसे हम कहते हैं कि इंस्पेक्शन के लिए निकलते हैं, तो इसी तरीके से कहते हैं कि वो दिन और रात देखता था कि काम जो है वो सही ढंग से चल रहा है या नहीं, मतलब जितना पॉसिबल हो सके उतना वो इस बात का ध्यान रखता था। एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फॉर्ज ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन। कहते हैं कि और आज के इस पल पर भी वो फॉर्ज में, वो फर्नेंस में, मतलब वो मिल के अंदर हम सिंपल कहेंगे कि दाखिल हुआ है। और ये क्या है, क्या करने आया है, वो अपना रात के वक्त का नाइटली एक इंस्पेक्शन करने के लिए, एक निरीक्षण करने के लिए आया है कि काम सही ढंग से चल रहा है या नहीं। अब देखो क्या हुआ, कहते हैं नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वॉज द टॉल रैगामफिन हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स। कहते हैं स्वाभाविक बात है कि सबसे पहली चीज जो उसने देखी वो ना एक लंबा सा चिथड़ों में लिपटा हुआ एक आदमी था, जो कि हम फिर से कहेंगे हमें पता है कि कौन है, रैट ट्रैप सेलर, जिसने अपने आप को ना ईज्ड किया हुआ था। ईज्ड हिज वे का मतलब है अपने आप को आरामदायक तरीके से कहाँ कंफर्टेबल किया हुआ था, अपने आप को फर्नेंस के बिल्कुल नज़दीक, भट्टी के बिल्कुल नज़दीक, और इतना नज़दीक था कि भाई स्टीम जो है ना उसके गीले चिथड़ों में से हमें राइज होती हुई दिख रही थी। देखो अगर कपड़ा गीला है, अगर आप जैसे विंटर में कई बार होता है ना कि कपड़े सूखते नहीं हैं, हम हीटर के पास अगर रखते हैं तो जब पास रखते हैं तो उनमें से क्या निकलती है, स्टीम निकलती है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर बता रखा है कि उसके गीले कपड़ों में से स्टीम जो थी, भाप जो थी, वो निकलती हुई नज़र आ रही थी। वो इतना नज़दीक फर्नेस के पास अपने आप को कम्फर्टेबल कर लेटा हुआ था। The iron master did not follow the example of the blacksmiths. देखो blacksmiths ने तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया था, कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, लेकिन आपको यहाँ क्या कहा गया कि iron master ने सेम वही उदाहरण नहीं दोहराया, वो फॉलो नहीं किया, दैट मीन्स उसने इंटरेस्ट शो किया। अब क्या हुआ, who had hardly dined to look at the stranger. तो देखो ये सेम वही बात है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि उन्होंने तो हार्डली कोई ध्यान ही नहीं दिया था, उन्होंने तो कोई अटेंशन नहीं दी थी। डाइन का मतलब होता है कोई बॉदरेशन ना लेना, तो सिंपल वही बात बन गई कि उन्होंने तो कोई अटेंशन नहीं दी थी, कोई टेंशन नहीं दी थी ध्यान देने की भाई बंदा कौन है, कहाँ से आया है, इतनी आधी रात को क्यों आया है। लेकिन उसने ध्यान दिया, किसने, आयरन मास्टर ने। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वो नज़दीक चलकर उसके पास गया, लुकड हिम ओवर वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से उसकी तरफ देखा, देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। तो ना आपको भी एक बात और पता चलती है कि भाई ये जो वागाबॉन्ड था ना, इसके पास ना एक हैट भी थी। तो यहाँ है कि उस स्लाउच हैट, मतलब एक तरीके से ना तिरछी सी टोपी उसने अपने फेस पर ली हुई थी, उसने क्या किया, टोर ऑफ, उसको हटाया है,
साइड पर किया है ताकि वो उसे ध्यान से देख सके। आयरन मास्टर ने उस हैट को हटाया है ताकि वो उसके फेस को अच्छे से देख सके। बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स ओलूफ, ही सेड, हाउ डू यू लुक। अब देखो यहाँ क्या हुआ है, जब आयरन मास्टर ने उसे देखा है, उसने उसे किसी नील ओलूफ नाम के इंडिविजुअल से रिकग्नाइज कर लिया, मतलब उसने सोचा कि ये तो नील ओलूफ है। और उसने क्या कहा, हाउ डू यू लुक, कि तुम ये कैसे दिख रहे हो। द मैन विद द रैट ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रैम्सचो एंड डिड नॉट इवन नो वॉट हिज नेम वॉज। कहते कि जो आदमी रैट ट्रैप्स जिसके पास थी, मतलब हमारा रैट ट्रैप सेलर, उस आदमी ने कभी भी आयरन मास्टर को रैम्सचो में नहीं देखा था और ना ही वो उसका नाम जानता था। बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनोर्स। अब देखो क्या हुआ है, देखो क्रोनोर हमें अच्छे से पता है कि क्या है, ये स्वीडन की बेसिकली करेंसी है जो हमें यहाँ पर बताई गई है, ये आपको लास्ट सेशन में भी क्लियर कर दिया गया था। तो यहाँ जो हमारा रैट ट्रैप सेलर है वो ये सोचता है कि अगर ये फाइन जेंटलमैन, मतलब ये जो आयरन मास्टर है, अगर ये ऐसा सोचता है, अगर ये ऐसा समझता है कि वो रैट ट्रैप सेलर जो है वो उसका कोई पुराना जान पहचान वाला है, कोई पुराना फ्रेंड है, एक्वेंटेंस का मतलब हम पुराना कोई जान पहचान वाला ही समझ सकते हैं, तो अगर ये मुझे अपना कोई जान पहचान वाला समझ रहा है तो हो सकता है ये मुझे कुछ कपल ऑफ नोट दे दे, कुछ कपल ऑफ क्रोनोट दे दे, मतलब कुछ पैसे दे दे। देयरफोर ही डिड नॉट वॉन्ट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस। देखो डिसीव का मतलब धोखा देना, अनडिसीव मतलब ना देना, डिड नॉट भी साथ में लिखा हुआ है, तो हम बेसिकली यहाँ इसका जो अनडिसीव का मतलब है वो ये निकालेंगे कि वो उसके इस भ्रम को जल्दी एट वंस एकदम से तोड़ना नहीं चाहता था। क्योंकि अब देखो फिर से वो फाइन जेंटलमैन को देखकर एक बेट, एक लालच दिमाग में आ गया कि हो सकता है कि वो कुछ कपल ऑफ क्रोनोर उसे दे दे, तो इसलिए वो एकदम से एक झटके से ही उसका ये जो शक है, ये जो धोखा है, मतलब वो दूर नहीं करना चाहता था। अब देखो क्या हुआ, यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी ही सेड। अब ये किसने कहा है, देखो ये कहा है इस रैट ट्रैप सेलर ने, तो उसने क्या कहा, कहता है कि हाँ गॉड नोज, भगवान जानता है कि मेरे साथ बुरा हुआ है, डाउन हिल विद मी मतलब मेरे हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं, मेरे साथ बुरा हुआ है या मेरी किस्मत बेकार निकली है, इस तरीके से वो जवाब देता है। फिर आगे देखो फर्दर, अब स्टोरी जो है उसमें नया मोड़ क्या आता है, यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट सेड द आयरन मास्टर। अब ये जो आयरन मास्टर है ना, वो उसके साथ बातचीत करते हुए उसे क्या कहता है कि तुम्हें रिजाइन नहीं करना चाहिए था रेजिमेंट से। रेजिमेंट वर्ड अगर आपने कभी सुना हो तो ये बेसिकली ना फौज से जुड़ा हुआ होता है, तो ये सिंपल हम ये कह सकते हैं कि वो उसे ये कहता है कि तुम्हें फौज से रिजाइन नहीं करना चाहिए था, दैट वॉज द मिस्टेक, कि ये तुम्हारी गलती थी। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम It never would have happened. Well, now of course you will come home with me. अब जो आयरन मास्टर है वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर मैं उस वक्त मौजूद होता ना, मैं उस वक्त अगर सर्विस में होता तो इस तरीके का ना हुआ होता, मतलब जैसे होता है ना कि अगर मैं मौजूद होता तो मैं तुम्हें ऐसा ना करने देता, तो वो इस तरीके का कंसेप्ट उसे कहते हैं। और फिर कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कि अब निसंदेह कि अब तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलोगे। अब देखो क्या हुआ, To go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade, that however did not please the tramp. Tramp word पहले भी हमारे पास आया था और हमने इसे vagabond से ही compare किया था, that means हमारे rat trap seller से ही समझा था। अब देखो क्या हुआ है, बहुत ही simple सा concept है कि उस फाइन जेंटलमैन के घर जाना, मैनॉर हाउस का मतलब एक तरीके से हम कहते हैं जमींदार के घर, जमींदार बोल दिया तो सिंपल बात है कि वही वो उस जेंटलमैन की, वो उस आयरन मास्टर की ही बात कर रहे हैं, कि उसके साथ जाना,
उसने मुझे एक पुराना फौज का एक कॉमरेड, एक अच्छा ऑफिसर समझ लिया था। एज एन ऑनर उसने मुझे ट्रीट किया कि हाँ, पहचान लिया मैं उसका कोई पुराना मित्र हूँ। लेकिन ये बात हालांकि ट्रैम्प को प्लीज आकर्षित नहीं कर सकी, मतलब उसे ये बात जो थी वो थोड़ी सी खटकी, उसे ये बात अच्छी नहीं लगी। चलो अब फिर से मैं यहीं पर सेशन को वाइंड अप करूंगी क्योंकि हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि क्या वो उसके साथ घर गया या नहीं गया, अगर गया तो क्या हुआ, अगर नहीं गया तो फिर क्या हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए फिर से मैं कहूँगी बने रहिए चैनल के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू डू दी ऑनर्स।